कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन ओपन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूर्यवली सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, JS ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज न्यू टॉपिक हम लोग लेके आए हैं। न्यू टॉपिक क्या है? आरएसी बोले तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, फ्री हैंड स्केच ऑफ ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको फ्री हैंड बनाएंगे। ठीक है, कंप्रेसर उसका कैसे हम बनाएंगे, मतलब फ्री हैंड इसको हम ड्रा करेंगे, और जब फ्री हैंड जब उसकी पूरी ड्राइंग ड्रा हो जाएगी, तो फ्री हैंड स्केच में जब भी आपको एग्जाम में आए, तो फ्री हैंड आप कोई भी जो भी दिया है, बेंच वाइज दिया है, जैसे प्रोकेटिंग कंप्रेसर दिया है या फिर हैंड वाइज दिया है, तो क्या करिए, आप सबसे पहले उसकी ड्राइंग अच्छे से ड्रा कर लीजिए फ्री हैंड। ठीक है, उसके बाद उसके पार्ट्स का नाम लिखना एकदम कंपलसरी है। यदि आप फ्री हैंड स्केच में पार्ट्स का नाम नहीं लिखते हैं, तो आपका मार्क्स 50% भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा अनसाइज का है, चलेगा, लेकिन नाम करेक्ट होना चाहिए, उसका प्रत्येक पार्ट्स का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, देखिए, तो आपका जो RAC का फ्री हैंड स्केच मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब ये RAC जो कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, फाइनली बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, अब ये बन के तैयार हो गया, इसमें अब क्या काम रह गया, इसके प्रत्येक पार्ट्स का नाम लिखना, और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्री हैंड स्केच के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसका नाम लिख। देखिए, तो ये फिगर बन गया था, अब मैंने एरो हेड लगा दिया। एरो हेड का मतलब प्रत्येक पार्ट्स का जहाँ पे हमें नाम शो करना है, उसमें क्या किया, मैंने एरो हेड लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि पहला ये क्या है। तो पहला आपका क्या है, ये सक्शन गेट ना,
तो आपका एस यू सी टी आई ओ एन सक्शन गेट जी ए टी ई, ये आपका क्या हो गया पहला जो ये था मैंने इसको दिखाया सक्शन गेट, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक वाल्व लगा है तो ये क्या हो जाएगा एस यू सी टी आई ओ एन सक्शन वी ए एल वी ई, तो क्या हो जाएगा ये सक्शन वाल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर और हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पिस्टन, तो पी आई एस टी ओ एन, तो ये क्या हो गया आपका पिस्टन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था क्रैंक शॉफ्ट, ये क्या है सी आर ए एन के क्रैंक शॉफ्ट एस एच ए एफ टी, तो ये क्या हो गया क्रैंक शाफ्ट हो गया, ठीक है ना। सक्शन गेट, सक्शन वाल, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, ये क्या है क्रैंक सी आर ए एन के ना सी आर ए एन के क्रैंक पिन पी आई एन, तो ये क्या हो गया क्रैंक पिन हो गया। कनेक्टिंग रॉड सी ओ डबल एन ई कनेक्ट टी आई ओ टी आई ओ एन जी कनेक्टिंग टी आई ओ एन जी कनेक्टिंग होगा यहाँ पे बंद कर थोड़ा सा कनेक्टिंग रॉड आर ओ डी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया कनेक्टिंग रॉड, और ये चीज़ जो है यहाँ पे ये जो स्पेस है ये क्या है सिलेंडर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आर, क्या लिखेंगे सिलेंडर, ये जो भाग है ये क्या है आपका सिलेंडर है, ठीक है ना। ये क्या है ये आपका डिस्चार्ज डिस्चार्ज डी आई एस सी एच ए आर जे डिस्चार्ज वाल वी ए एल वी ई, तो ये क्या हो गया डिस्चार्ज वाल, ये डिस्चार्ज वाल है तो ये क्या होगा डिस्चार्ज गेट, तो यहाँ आप लिखेंगे डिस्चार्ज गेट, ये आपका क्या हो जाएगा डिस्चार्ज गेट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, ये क्या है सिलेंडर सिलेंडर हेड, नॉर्मल हम लोग हेड बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है वो सिलेंडर का हेड है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टोटल नाम, ठीक है, सक्शन गेट, सक्शन वाल, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर, डिस्चार्ज वाल और डिस्चार्ज गेट, ठीक है। आप इसी चीज़ को इंग्लिश में मैंने लिखा है, आप हिंदी में लिख सकते हो सक्शन गेट, सक्शन वाल, सेम चीज़ को आप क्या करो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका नाम, ठीक है।